भाई आगे आ जा, आ जा मेरा भाई, आगे आगे मेरा भाई आगे, ठोक दे ठोक दे ठोक दे। हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। भाई ये जो हमारे भाई है ये मुंबई से आए हैं, ये कह रहे थे कि यार सीपी में एक अगर चैन की बात हुई है जहाँ पे पीके मूवी की शूटिंग हुई थी, तो ये भाई कह रहे हैं वो दिखा के लाने के लिए, तो इन भाई को दिखाने के लिए लेके जा रहे हो। आप लोगों के लिए भी एक ब्लॉग बना लेता हूँ मैं, जिससे आप लोग भी देख लें। तो हे गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अगरसैन की वावली। तो गाइस इसे अगरसैन की वावली भी कहते हैं और उगरसैन की वावली भी कहते हैं। तो गाइस आज हम पता करते हैं कि इसका असली नाम क्या है। तो गाइस इसका असली नाम है उगरसैन की वावली। तो गाइस जिस तरीके से इस पत्थर पे लिखा हुआ है उगरसैन की वावली, तो गाइस इसी तरीके से बिल्कुल इस पत्थर पे भी लिखा हुआ है और इसकी सारी डिटेल्स दी गई है इस पत्थर पे कि किस राजा ने बनाई है इसे और कौन से सन में बनाई है। तो गाइस जिस तरीके से आप ये बाहर का दृश्य देख रहे हैं बहुत अच्छा बना हुआ है, और इसी तरीके से इसके अंदर का दृश्य इससे भी ज़्यादा सुंदर बनाया गया। तो आपको हम दिखाते हैं अंदर का दृश्य। तो गाइस ये है इसके ऊपर का दृश्य और गाइस ये है इसके सामने का दृश्य। तो गाइस आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये इतना गहरा क्यों बना हुआ है, मतलब यहाँ पे इतने सारे जीने कैसे बने हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है पहले के ज़माने में यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था, इसको एक कुआं के हिसाब से बनाया गया था। इसके अंदर पहले पानी इकट्ठा किया जाता था और इसके पीछे जस्ट पीछे एक कुआं भी बना हुआ है, तो वो कुआं बहुत गहरा है और बहुत नीचे तक का है। ये 3 मंजिल बड़ा है, 3 मंजिल इतना लंबाई है इसकी। और गाइस बिल्कुल आपने ऐसे ही बावली देखा होगा जयपुर में, राजस्थान में, पहले के ज़माने में ऐसे राजा लोग बनवाया करते थे, क्योंकि पानी इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हुआ करती थी राजस्थान में और जयपुर में, यहाँ पे बारिश की बहुत कम संभावना हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे भी हमारे अगरसैन राजा ने ये बावली बनवाई है, लेकिन दिल्ली में तो खैर बारिश होती है, लेकिन उन्होंने बनाया होगा किसी कारण जो हमें नहीं पता है। तो गाइज मैं आप सबको इसके अंदर का दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। तो गाइज यहाँ जैसे जैसे आप नीचे उतरोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे स्मेल सी आने लगेगी, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों आती है यहाँ पे स्मेल। तो गाइज ये जो आप सामने जो ये आप गेट देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे ही एक कुआं है जो मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा कुआं है। पहले यहाँ पे जो पानी भरा जाता था वो इसी में ही इकट्ठा होया करता था। तो गाइज जब मैं इससे पहले आया था तो यहाँ का जो ये जो गेट है ये पहले खुला हुआ था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। और गाइज ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये जो वीट वाइट वाइट कलर ये सारी वीट पड़ी हुई है, ये बनवाया तो अगरसैन ने था, लेकिन अब जो है ये घर कबूतर और चमगादड़ों का है। और ये जो लास्ट में सबसे लास्ट का जो ऊपर का जो बिल्डिंग है वो कबूतर और चमगादड़ों का है, तो वो वहाँ से वेट करते हैं तो वो सारे नीचे गिरते हैं और यहाँ पे स्मेल करती है बहुत बुरी। तो गाइज ये था सीन और इस मेरे को बहुत बुरी बदबू आ रही है। तो गाइज मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ ये नीचे से ऊपर का दृश्य है और ये है इसका दृश्य है। तो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जीने का दृश्य है। तो गाइज ये है इसका जीना, और गाइज ये जो जीना है यहाँ पे 108 जीने हैं ये, और बहुत सुंदर बनाया गया, काफ़ी चौड़े चौड़े जीने हैं इसके अंदर। तो गाइज ये जितना देखने में सुंदर लगता है उतना ही ये होरियर जगह भी है। हाँ जी हाँ, ये डरावना जगह भी है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते हो कि इंडिया का सबसे डरावना जगह कौन सा है, तो उसमें आपको ये उगरसैन की बावली भी आएगी, तो वहाँ की वो स्टोरी आपको गूगल पे मिल जाएगी, तो आप देख लीजिए। गाइस देख लिया आपने उगरसैन की बाबरी, यही वो जगह है जहाँ पे आमिर खान सर गाजर खाते हैं पीके मूवी में, ठीक है। तो भाई
हमारे मुंबई से आए हुए हैं, ये कह रहे थे कि हमें ये घूमना है, तो इनको हमने घुमा दिया, इनको तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन आप भी कभी दिल्ली आओ तो ज़रूर देखना, ठीक है ये जगह। तो भाई लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, जा रहे हैं घर, ठीक है, ओके बाय।